और हमारे YouTube चैनल पर सैनरा एडवांस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आपके साथ हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी सेकंड लेसन 1 भाषा व्याकरण और लिपि के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए भाषा व्याकरण और लिपि के विषय में समझें। आइए भाषा के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम आपको भाषा व्याकरण और लिपि के विषय में बता चुके हैं, फिर भी हम पुनरावृत्ति के लिए आपको यह संक्षेप में फिर से बता रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को तथा मन के भावों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या उनके विचारों को समझते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे प्रार्थना बोला करते हैं। लिखित भाषा जब किसी व्यक्ति के सामने अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाना। बोली एक क्षेत्र विशेष भाषा में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती क्योंकि एक छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा में साहित्यिक निर्माण नहीं हो सकता। भाषा और बोली में अंतर। बोली किसी भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होती है किंतु बोली का क्षेत्र सीमित। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली नहीं। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र में बोली का प्रयोग करते हैं, क्षेत्र के बाहर में भाषा का प्रयोग करते हैं। जब यह बोली सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तब उसे भाषा कह दिया जाता है। आइए व्याकरण के विषय में समझते हैं। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है, या ये कहिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता हो, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। वर्ण विभाग में वर्णों के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। शब्द विभाग में शब्दों का अध्ययन करते हैं। वाक्य विभाग में वाक्य का अध्ययन करते हैं। लिपि किसी भी भाषा की अपनी एक लिपि होती है। वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की भी अपनी एक लिपि है जिसका नाम देवनागरी है। धन्यवाद। पार्ट 1 की रीडिंग करिए और रिवाइज करिए।